वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं वापस एक आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ फिर से। लास्ट ईयर जैसे मतलब 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था बीएफए के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, जो कि MAHACCAT बोला जाता है, ठीक है, ये कंडक्ट कौन करता है, सीएटी सेल। इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए रहेगा आप लोग को तो चैनल पे ऑलरेडी मैंने बना के डाला है, आप वहाँ से देख सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी ये सब ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, बट फिर भी अब से मैं डिटेल जैसे अभी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूँगा तो उसको अच्छे से कवर करूँगा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ एलिजिबिलिटी, फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स क्या आपको सब रेडी करके रखना चाहिए, क्योंकि देखो प्रैक्टिस आपको करना है। मैं ये चैनल पर मैं अपडेट दे रहा हूँ आप लोग को, ये मत सोचो कि मैं प्रैक्टिस करने में तो बोलूँगा आपको कि ये प्रैक्टिस करो तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा, ये मत प्रैक्टिस करो वो प्रैक्टिस करो, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है, बोलूँगा, ठीक है, ऐसा नहीं है मैं नहीं बोलूँगा, बट ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे पूरा मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो मैं इसके लिए मैंने टेलीग्राम पे चैनल बनाया हुआ है, ठीक है। टेलीग्राम नहीं पता होगा तो टेलीग्राम भी एक व्हाट्सएप की तरह एक समझ लो, सबको पता ही होगा टेलीग्राम के बारे में। तो वहाँ पर मैंने एक चैनल बनाया है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो एंड वहाँ पर मैं डिस्कशन करते रहता हूँ ये सब चीज़ों के बारे में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे तो मैं प्रैक्टिस पे ये नहीं बताने जाऊँगा कि आपको क्या आप चीज़ें प्रैक्टिस करना है क्या नहीं करना है, वो सब खुद आपको करना है, ठीक है। मैं प्रोसेस सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सब जो भी रहेंगे वो सब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आपका आप प्रैक्टिस पे ध्यान दे सको, आपको कोई और टेंशन ना हो कि यार कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, कब निकल जाएगा रजिस्ट्रेशन, वो सब के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। वो सब के लिए मैं हूल चैनल पे मैंने लास्ट ईयर भी चीज़ों को कवर किया था, ठीक है, इस साल भी मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। एंड जीके के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जीके का अगर आपको 2021 में बता देता हूँ आपको, दो दिन पेपर हुए थे कोविड की वजह से, ठीक है। तो दोनों दिन का मैंने पेपर क्या था सॉल्व करके मैंने ऑलरेडी चैनल पर रखा है, आप चैनल पर जाओगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। एंड ऑलरेडी और भी पिछले साल के जो भी क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करके बहुत सारे चैनल्स ने करके रखा है ऑलरेडी एंड उनके वीडियोस भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। अगर वीडियोस नहीं समझने लायक होते तो मैं भी बना देता, बट उन्होंने जो ऑलरेडी बना के रखा है वो काफ़ी मतलब समझने लायक है, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैंने बोला वो सब चीज़ें मैं रिपीट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाला, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो भी स्टार्ट होता है ये कुछ समझ लो जनवरी तो भी स्टार्ट ही हो गया है, मतलब अप्रैल मई से कुछ स्टार्ट होने, अप्रैल मई तक समझ लो, ठीक है। अप्रैल मई में जो भी होगा एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना, ताकि मैं कभी भी वीडियो डालूँ तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप अपडेट हो सको, ठीक है, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। फिलहाल के लिए जितने भी 12th स्टैंडर्ड के बच्चे, ठीक है, देखो आप 11th में हो, 10th में हो, 8th में हो, 7th में हो, 6th में, किस में भी हो, ठीक है, 11th से नीचे अगर हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, 11th वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें आपको कम से कम 12th आपको होना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी दे चुके हैं उनको ये सबके वीडियो नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट प्रोसेस पता है क्या चीज़ें कैसे होती है, कैसे कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, कैसे ख़त्म होता है, ठीक है। एंड 12th वाले जो भी बच्चे जो नेक्स्ट ईयर मतलब अभी इस साल 2022 का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं बीएफए के लिए या बीएफए डिज़ाइन के लिए या अप्लाइड आर्ट के लिए, ठीक है, तो एग्ज़ाम के डेट्स जो भी होने वाले रिजल्ट तो बहुत टाइम बाद निकलता है, ठीक है। जो भी प्रोसेस स्टार्ट होगा आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, जब भी डेट्स आएंगे जब भी क्या चीज़ रहेगा मैं आपको कैसे भी करके अपडेट कर दूंगा, ठीक है, तो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। फिलहाल के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है, जितना हो सके प्रैक्टिस करो चीज़ों को टाइम पे। मैं एक इन्फॉर्मेशन मतलब एक वो क्या बोलते हैं PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे एक बार चेकआउट कर लो कि जैसे 2D डिज़ाइन में कितना टाइम होता, तो उस टाइम के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करो। मैं बार बार आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, मैं आपको कोई टिप नहीं देने वाला कि ये चीज़ कर लो आपका अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको प्रैक्टिस ही करना है। तो ये मत सोचना मैं आपको कोई एकदम लास्ट मोमेंट पे कोई ऐसा टिप दे दूंगा एंड वो अप्लाई करके आप अच्छा मार्क्स ले आओगे, ठीक है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 96 आया था बिना किसी क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट के मार्क्स ऐड किए हुए, ठीक है। पर अगर आपने इंटरमीडिएट मार्क्स इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया था 10th में या
क्या बोलते हैं टेंथ में नहीं होता है, नाइन्थ में या सेवन्थ या सिक्स में कुछ तो अराउंड होता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट, एलिमेंट्री, ये सब अगर आपने देखे रखा है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। आपको 10 मार्क्स तक प्लस हो सकते हैं, अगर आपके ग्रेड ए ग्रेड होंगे तो आपको 10 मार्क्स तक ऐड हो सकेगा। लाइक जो भी आप सीएटी में स्कोर करोगे उसमें आपको 10 मार्क्स और ऐड हो जाएगा। अगर आपका ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, तो कुछ 6 मार्क्स ऐसे कुछ ऐड होते, समझ रहे हो मैं क्या बोलूँ। तो इंटरमीडिएट ये सब सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो ढूंढ ढूंढ के रखो। एंड जितने भी लोग अभी, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये जनरल के लिए नहीं है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो जनरल में भी, जनरल से मैंने भी फॉर्म भरा था तो मैं समझ सकता हूँ काफ़ी प्रॉब्लम होता है जनरल कैंडिडेट को। बट जो मैं बोल रहा हूँ कि रिजर्वेशन का जो होता है, ठीक है, जितने भी लोग रिजर्वेशन के अंडर आते हैं, ठीक है, आपके जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होंगे, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है, ये सब जितना भी जल्दी हो सके सब रेडी करके रखो। डोमिसाइल जिसके पास नहीं है, डोमिसाइल रेडी करवा के रखो। लास्ट मोमेंट में आप करने जाओगे तो हो तो जाएगा, बट ज़रूरी नहीं ना कि लाइक अगर आपको परसों देना है, ठीक है, तो फटाक से हो जाए। तो इस चीज़ को समझो, मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब चीज़ें आपको काम आने वाली है, तो जितना हो सके सब ये सब रेडी करके रखो। एंड और मैं क्या बोला था कि हाँ, एलिजिबिलिटी यही है कि आपको 12th पास होना चाहिए एंड कम से कम आपको 46 रहता है, बट मैं बोल रहा हूँ 50 तक कम से कम लेके आओ। लाइक कोई और 50 भी नहीं कि 50 लेके आओ यार, और ज़्यादा लेके आओ। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर कोई और फील्ड में जाना चाहो तो कम से कम अगर आप एक बैकअप रखते हो कि नहीं मेरा BFA नहीं होता है, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग अगर आप ये हो कि आपको इसी लाइन में जाना है, ठीक है, तो आप फिर कंफर्म है कि आपको 50 कम से कम लेके आओ। बट अगर आप ये श्योर नहीं हो कि नहीं मैं कोई और लाइन में भी जाना चाहता हूँ बाद में, तो ज़रूरी नहीं कि आप 50 लेके आओ यार, ठीक है। 12th वाले लोग या और 10th वाले लोग भी, अगर आप वीडियो देख रहे हो कोई 10th में से, 2-3 साल बाद अगर आप देना चाहते हो तो अभी से आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। कोई भी स्टैंडर्ड 11th का भी कोई बंदा देख रहा है या कोई भी मतलब स्टूडेंट देख रहा है, ठीक है, तो अभी से प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। अगर आपको नहीं पता क्या क्या प्रैक्टिस करना है तो वो सब के बारे में मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी सब कुछ शेयर किया है एंड वीडियो भी मैं बना दूंगा, ठीक है। वीडियो मैं अभी नहीं बना रहा क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें रेडी कर रहा हूँ, ठीक है, माइंड में कि क्या मुझे बोलना है, क्या क्या मुझे बताना है, ठीक है, ताकि आप लोग जब वीडियो देखो तो आप कन्फ्यूजन में ना हो, ठीक है। आप एकदम स्ट्रेट रहो कि माइंड में कि हाँ इसने ये बताया वीडियो में एंड मेरे को यही चीज़ प्रैक्टिस करना है, वही वही चीज़ों को अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आज के लिए बस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन रहेगा, किसी भी जो भी मैंने आज वीडियो में डिस्कस किया है, आपके मन में BFA को लेके कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन रहता है, कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए किसी भी टॉपिक पे, ठीक है, इस फील्ड के बारे में, तो आप मुझे कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मैं BFA कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट ईयर का, अभी फर्स्ट ईयर में, लास्ट ईयर मैंने CAT एग्जाम दिया था, अभी वीवा कॉलेज, वीवा इंस्टीट्यूट से अप्लाई डाट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इसके बारे में भी आपको जानना है कि मैं क्या सीख रहा हूँ क्या नहीं सीख रहा हूँ, तो चैनल पे बस जुड़े रहो। एंड कुछ भी डाउट रहेगा आप मुझे कभी भी इंस्टाग्राम पे या कमेंट करके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, वीडियो में भी कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। बट सबके लिए एक ही चीज़ करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि मैं कभी भी वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो लोग पहले से चैनल पे हैं उनको पता है कि आप जितना भी हो सके कमेंट करो। अभी फ़िलहाल लोग वीडियोस नहीं देखेंगे, बट जैसे जैसे इंट्रेंस एग्ज़ाम तैयारी मतलब आने लगेगा डेट्स, तो सब लोग कमेंट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जितना हो सके आप लोग रेडी रहो, प्रैक्टिस करते रहो। 12th वाले लोग 12th पे भी ध्यान दो, पहले आपका बोर्ड्स होगा, फिर आपके पास फिर CAT एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो आपको पहले बोर्ड्स के लिए ध्यान दो जितना हो सके। एंड 10th वाले अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो 10th वाले लोगों के लिए भी यही, अगर आप इस फील्ड में आ चाहो तो आपको 12th देना पड़ेगा, ठीक है। एंड कोई भी वीडियो देख रहा है, कोई भी मतलब 8th 7th कोई भी बंदा देख रहा है इस फील्ड में, अगर वो आना चाहता है तो 12th आपको कम से कम देना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हो मुझे, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड एक और वीडियो मैं जल्दी लाने वाला था कि मैं अभी उसके बारे में कभी और बात करती, ठीक है। तो अभी के लिए वीडियो मैं एंड करता हूँ, एंड कुछ भी रह डाउट तो कमेंट करके पूछ लेना।